नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं एक सुविचार से, जो है दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास। अर्थात कि देखो बच्चों, जो कीमती गहने होते हैं उससे भी ज़्यादा कीमती क्या है? परिश्रम, मेहनत, वर्क, हार्डवर्क। और ज़िंदगी का सबसे अच्छा साथी मतलब आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? आपका आत्मविश्वास, मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास होना। मैं बस भी दोहराती हूँ बच्चों, दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। बच्चों, आज हम स्वास्थ्य संबंधा के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने पाठ का नाम लिखा है, एक लाइन छोड़ी है, शब्दार्थ लिखे हैं। तो पहला है दृढ़ अर्थात पक्का, अमानत धरोहर, यथासंभव जहाँ तक संभव हो, रक्षक रक्षा करने वाला, निर्दोष दोष रहित अर्थात जिसका कोई भी दोष नहीं है, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ, उद्वेग प्रबलता, हर्ज हानि, इजाज़त आज्ञा अनुमति, चोकर पिसे हुए अन्य को पीसने पर बचे हुए अनाज के छिलके। मतलब जब हम गेहूं पीसते हैं बच्चों, तो गेहूं में क्या होता है, उसके जो छिलके होते हैं ना ब्राउन कलर के, उसके वो भी रहता है उसमें, तो वो थोड़ा मोटा होता है, वो उसे चोकर कहते हैं। उसके बाद मैंने एक लाइन खींची है बच्चों। फिर प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, कहावत मात्रा स्वास्थ्य प्रयोग चोकर। अब पहला है, अंग्रेजी में डैश है सुबह का फल सोना है अर्थात कहावत, उस मतलब अर्थात मतलब उसका उत्तर है कहावत ना, अंग्रेजी में कहावत है कि सुबह का फल सोना है। दूसरा, गुड़ के स्थान पर शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मतलब गुड़ की जगह अगर आप शहद का उपयोग करते हो तो वो बड़ा प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। फिर गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि गेहूं को जब पीसते हैं तो उसके छिलके भी पीसे जाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसे अलग करते हैं छान के, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, वो जो छिलके होते हैं उसे चोकर कहते हैं। चौथा, अमेरिका में हो रहे प्रयोग के अनुसार फल अकेले खाने चाहिए। मतलब इसका अर्थ दो है बच्चों, मतलब कैसे कि आप सिर्फ फल ही खाओ, उसके साथ कुछ और आप ना लो, उस वक्त सिर्फ फल खाओ, या मतलब कैसे अगर आप नाश्ता करते हो तो हम फल भी ले लेते हैं, पराठा भी ले लेते हैं, नहीं, सिर्फ फल खाओ। फिर पांचवा, भोजन में स्टार्च की मात्रा कम होनी चाहिए। फिर मैंने एक लाइन छोड़ी है बच्चों। प्रश्न दूसरा, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। पहला, प्राणायाम खुली हवा में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत, जितनी खुली हवा में आप प्राणायाम करोगे वो उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। दूसरा, फल भूखे पेट नहीं खाना चाहिए, गलत, भूखे पेट अगर सबसे पहले, जैसे अभी बताया ना कि सोना होता है, अगर आप सबसे पहला फल लेते हो तो वो गलत है। सुबह गर्म पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बिल्कुल सही, उठते साथ हमें गर्म पानी पीना चाहिए। अब प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? तो है, मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते, इसलिए जैतून के तेल की जगह मक्खन लिया जाना चाहिए। देखिए बच्चों, मैंने प्रश्न लिखा, प्रश्न का उत्तर लिखा और उसके बाद उस एक लाइन छोड़िए, मतलब प्रश्न, उसका उत्तर और फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। दूसरा, रक्षक का धर्म कौन सा है? तो शरीर को एक अमानत समझकर उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। फिर मैंने एक लाइन छोड़ी है बच्चों। प्रश्न तीसरा, सर्दी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अब ये गांधी जी ने अपने दोस्त को बताया है, तो सर्दी से बचने के लिए गले तक अच्छी तरह कंबल ओढ़कर सिर और कान पर कपड़ा लपेट लेना चाहिए। अब प्रश्न देखो, फिर मैंने जहाँ पे प्रश्न खत्म हो गया, उत्तर खत्म हो गया, मैंने एक लाइन खींची है और फिर मैंने नीचे प्रश्न चौथा लिखा है, विरुद्धार्थी शब्द लिखो, जवाब उसका उल्टा सवाल, शुद्ध अशुद्ध, महंगा सस्ता, उचित अनुचित, और पांचवा है निर्दोष दोषी, अस्थिर अस्थिर, स्थिर मतलब एक जगह और अस्थिर मतलब इधर से उधर होते रहना। बच्चों, इसकी PDF आपको दे दी जाएगी, आप PDF के अनुसार अपने उत्तर लिखोगे और हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।